सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को, और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें से ज्यादातर लोग जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनका ये जो ऑनलाइन हैबिट है वो कितना सेफ एंड सिक्योर्ड है। तो आज के स्टूडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन हैबिट को। जी हाँ दोस्तों, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आज के स्टूडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि आप जो आपका ऑनलाइन हैबिट है वो कितना सिक्योर्ड है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चनायर तैयार किया है जिसमें 10 क्वेश्चन को मैंने रखा है, जिससे आप अपना सेल्फ टेस्ट कर पाएंगे और ये आपको अपने सेल्फ टेस्ट में मदद करेगी ये क्वेश्चन, कि कैसे आप जान पाएंगे कि आप कितने हाई रिस्क में हैं या लो रिस्क में हैं या रिस्क में हैं। ये जानने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यस और नो में देंगे और खुद से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। ये जवाब आपको यस और नो में देना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन से मतलब है कि आप अपना फोटो, वीडियो, मोबाइल नंबर, घर का पता, डे टू डे की एक्टिविटी क्या आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। दूसरा सवाल, क्या आपको मिलने वाले किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, या वो ट्विटर पे या वो फेसबुक पे है, या फिर आपको किसी स्ट्रेंजर के द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा हो, टेलीग्राम पे मैसेज किया जा रहा हो, तो क्या उसे आप एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा सवाल है, क्या आपको पता है कि बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगती आपसे। यदि आपको ये पता है तो आपका जवाब होगा यस, यदि आपको नहीं पता है तो आपका जवाब होगा नो। उसके बाद आता है, क्या आपको पता है कि भारत में होने वाले सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम होते हैं वो एटीएम फ्रॉड का है। इसका भी जवाब आपको यस और नो में देना है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या आपकी ये आदत है कि आप किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से हो या किसी अननोन सोर्स से हो बिना वेरीफाई किए हुए इंस्टॉल करते हैं, यानी बिना रिव्यू पढ़े हुए, बिना उसके स्टार रेटिंग को देखे हुए आप उसे डाउनलोड करते हैं। उसके बाद जो सवाल है वो है, क्या आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं, यानी यदि आपको कोई फेसबुक पे लिंक भेजता है या कोई आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेजता है या आपको ईमेल के द्वारा कोई लिंक प्राप्त होता है, तो क्या आप बिना वेरीफाई किया हुए या बिना सोचे समझे उसे क्लिक करते हैं। इस सब का सवाल का जवाब जो है आपको देना है यस और नो में। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, क्या आप उसके पासवर्ड को चेंज करना जानते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मुझे लगता है कि मेरे जितने व्यूअर होंगे उसमें 50% ही दे पाएंगे यस और नो में, क्योंकि आमतौर पे हमारे पास इस सवाल का जवाब नो होता है, जो हमारे रिस्क जोन को बहुत बढ़ा देता है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होता है वो है कि क्या आप अपने मोबाइल को हर किसी के साथ शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे आपकी सोशल एक्टिविटी जो ऑनलाइन पे है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो आपको इसका भी जवाब जो है यस और नो में देना है। उसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं कि 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। इस सवाल का भी जवाब आपको देना है यस और नो में। उसके बाद जो लास्ट सवाल है वो ये है कि क्या आप किसी भी ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो आपको बताती हो कि आप किस तरह से साइबर क्राइम से बचेंगे, साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड ग्रुप, क्या किसी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं जहां पे आपको इस तरह के टिप्स मिलते हो, ट्रिक्स मिलते हो, जिससे आप सेफली ऑनलाइन को सर्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देकर आप जान सकते हैं कि आप किस तरह के रिस्क जोन में आते हैं। यदि आपका आंसर 3 है, इसका मतलब आप रिस्क पे हैं। यदि आपका आंसर 4-5 है, इसका मतलब आप लो रिस्क पे हैं। यदि आपका आंसर 6 एंड एवब है, तो इसका मतलब आप हाई रिस्क के साथ
ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, तो आपको एक बार फिर से विचार करना होगा कि किस तरह से हम ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप किस रिस्क जोन में आते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बतला सकूं कि किस तरह से हम और सेफली सिक्योर तरीके से ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते हैं। और मैंने एक ग्रुप बनाया है जो आपको सोशल साइबर क्राइम अवेयरनेस से और इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाकर आप इस तरह के साइबर क्राइम से कैसे बचेंगे और इस तरह के नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से हम सुरक्षित इंटरनेट सर्फिंग के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।